ये आपके व्यक्तिगत स्वार्थ के आधार पर धन का अंतिम प्रतीक है। फरारी लगभग 8 दशकों से दुनिया में शीर्ष लग्जरी कार ब्रांड के रूप में प्रतिष्ठित है। कुछ $100,000 से लेकर $70 मिलियन तक है। फरारी एक स्टेटस सिंबल है, लेकिन दुनिया में फरारी इतनी महंगी क्यों है, कभी सोचा है? फरारी की शुरुआत एंजो फरारी से हुई, जिसने 1929 में एक रेसिंग कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बनाया। मूल रूप से फरारी को ऑटोमोबाइल बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, या रेस ट्रैक के बाहर उपयोग होने वाली कारें, और बेहतरीन रेसिंग कारों के निर्माण पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया, जो कि एक अमीर आदमी ही खरीद सकता है। दूसरे विश्व युद्ध के समय फरारी ने रेस कारों की दुनिया को संक्षेप में छोड़ दिया और एक निर्माण कंपनी बनाई, जिसने मशीन टूल्स और विमान भागों के निर्माण में विशेषता हासिल की। हालांकि पुराने आग्रह का विरोध करने में असमर्थ, तेज कारों का निर्माण करने के लिए फरारी ने एक प्रोटोटाइप बनाया था, टीपो 815। दुर्भाग्य से दुनिया युद्ध में रहने के कारण टीपो की प्रमुख दौड़ को काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया गया था, अतः फरारी के कारखाने अलाइस द्वारा बमबारी कर दिया गया और युद्ध के बाद इसे नियमित ऑटोमोबाइल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फिर से बनाया गया था। एंजो फरारी ने कमर्शियल कारों के निर्माण पर सहमति व्यक्त की, लेकिन केवल अपनी प्रिय रेसिंग टीम स्कोत्रिया फरारी को फंड करने के लिए। यह रेसिंग टीम इतिहास में सबसे सफल रही, जिसने कई ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीते और फरारी नाम की केवंदती को बढ़ाया। जल्द ही फरारी ने लग्जरी स्पोर्ट्स ऑटोमोबाइल का निर्माण शुरू कर दिया और अपनी रेसिंग टीम की सफलता की वजह से एक भारी प्रीमियम चार्ज करने में सक्षम रहा, एक अभ्यास जो आज तक चल रहा है। इससे फरारी के महंगे होने का जवाब स्पष्ट हो जाता है। जब आप एक फरारी खरीदते हैं तो लागत का एक बड़ा हिस्सा आपकी ओर चला जाता है। प्रभाव लाइसेंसिंग में आपके व्यक्तित्व जीवन के साथ प्रसिद्ध फरारी का नाम लग जाता है। फरारी एक स्टेटस सिंबल है, और जब आप एक फरारी खरीदते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया की किस सड़क पर इसे चलाते हैं। हर कोई जो इसे देखता है वह तुरंत जान जाएगा कि आपके पास खूब सारी नकदी है और शायद बहुत कम व्यक्तित्व है। लेकिन आपको व्यक्तित्व की जरूरत नहीं है जब आप एक फरारी ड्राइव कर रहे हैं। हालांकि आप एक लेजेंडरी रेस का ड्राइवर नहीं होंगे, लेकिन एक बार जब आप फरारी चलाएंगे तो कोई भी बात फर्क नहीं करेगी। आप तुरंत कुलीन जाति के कार चालकों और रहस्यमय अंतर्राष्ट्रीय जासूसों के रैंक में शामिल हो जाएंगे, या शायद आप अपनी नई फरारी को एक विचलित रूप से बड़ी संख्या के ड्राइवर्स की तरह बर्बाद कर देंगे। फरारी के बारे में ये दूसरी बात है, वे एक कारण से सुपरकार्स के रूप में जाने जाते हैं कि दुनिया में किसी एक की तुलना में वे वाहन में अधिक हॉर्स पावर पैक कर देते हैं। 2016 की फरारी ला फरारी, जो हमें लगता है कि एक अतिरिक्त नाम है, जो 1950 हॉर्स पावर की रफ्तार से दौड़ता है और जो 4.8 सेकंड में 0 से 60 तक की तेजी ला सकता है, जो इंग्लैंड में एक ड्राइवर की तरह रेलिंग पर आपके वाहन को नष्ट करने के लिए एकदम सही है। तुलना करें कि बहुत किफायती टोयोटा कैमरी के साथ, जो 203 से 206 हॉर्स पावर तक है, आप देख सकते हैं कि फरारी खुद अक्सर अनुभवहीन चालक के खिलाफ अपने वाहनों को खरीदने की चेतावनी क्यों देता है। फरारी के महंगे होने का दूसरा कारण यह है कि वह बहुत ही अनोखी कारें हैं। जब आपके पास फरारी जैसा एक वैश्विक नाम होता है, जिसकी प्रति कार सैकड़ों हजार डॉलर की होती है, तो आपको अपने वाहन का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में अगर फरारी ने बड़े पैमाने पर उत्पादन करना शुरू कर दिया तो इसका ब्रांड मूल्य घट जाएगा। फरारी के मालिक न केवल अपनी कार से कृत्रिम व्यक्तित्व नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन वे कुलीन विशिष्टता भी खरीद रहे हैं। सामान्य कारों के उत्पादन की संख्या लाखों में दिखाई देगी। ये वही है जो अनजान लोगों के लिए हॉर्सलेस परिवहन के चमत्कार को एक वास्तविकता बनाता है। फरारी की उत्पादन संख्या कम है और यह उनकी कीमत आसमान छुआती है। उदाहरण के लिए टोयोटा कैमरूज ने 2018 में अकेले एक महीने में लगभग 34,000 वाहनों की बिक्री देखी, और 1,315 कुल फरारी F40 के साथ तुलना करें जो आज तक बनाई गई थी। फरारी 348 TB ने 2,895 इकाइयों का 4 साल का उत्पादन रन देखा गया, और फरारी 360 स्पाइडर का 5 साल का उत्पादन 7,500 इकाइयों का था। यह देखते हुए कि प्रत्येक टोयोटा कैमरी की लागत वर्ष और उन्नयन के आधार पर $20,000 के आसपास है, जबकि एक फरारी स्पाइडर $2,60,000 से शुरू होती है और एक फरारी F40 के लिए $60,000 तक जितनी अधिक हो सकती है। और आप देख सकते हैं कि फरारी निश्चित रूप से हर साल एक स्वस्थ लाभ कमा रही है। वे बड़े पैमाने पर उस तरह का उत्पादन नहीं कर सकते हैं जो नियमित ऑटोमोबाइल निर्माता करते हैं, लेकिन उन्हें ये करने की आवश्यकता भी नहीं है और एक उच्च ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति का आनंद लेते हैं। फरारी और एक सामान्य कार के बीच एक और अंतर है जो लागत को बढ़ाता है कि वे कैसे बने हैं। सामान्य लोगों के लिए बनाई गई सामान्य कारों को
बड़े कारखानों और लंबी असेंबली लाइनों में बनाया जाता है, जहां मशीनें कारों के टुकड़े को एक के बाद एक साथ में रखती हैं। एक स्मॉलेस्ट और निरिश 24 घंटे चलने वाला सप्ताह के 7 दिन ऑपरेशन, जो कार के भविष्य के मालिकों के खाली अर्थहीन अस्तित्व को पूरी तरह से प्रतिबिंबित करता है। दूसरी ओर फरारी को हाथ से तैयार किया गया है। वाहन के प्रत्येक भाग को मास्टर कारीगरों द्वारा केवल बेहतरीन मशीन टूल्स का उपयोग करके बनाया गया है। प्रत्येक फरारी प्यार का एक श्रम है। प्रत्येक व्यक्तिगत मास्टर कारीगरों की अविश्वसनीय प्रतिभा का उत्सव है, जो इसके निर्माण में भाग लेता है, और उन मास्टर कारीगरों को बहुत अच्छी तरह से भुगतान भी किया जाता है। निश्चित रूप से रोबोट की तुलना में बहुत बेहतर, जिसने आपकी सामान्य कार का निर्माण किया है। अंत में फरारी के महंगे होने का कारण यह है कि वह हो सकते हैं डगमगाते मूल्य और मृत फरारी चालक की बढ़ती संख्या के बावजूद फरारी की मांग आसमान छू रही है। वैश्विक 1% अमीरों की रैंक बढ़ रहे हैं, और इसलिए नहीं कि अचानक हम सभी लोग एक सामान्य आर्थिक व्यवस्था वाली दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में ऐसे लोग बढ़ रहे हैं जो कम से कम हाथों में धन इकट्ठा कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि दुनिया भर में अधिक लोग यह साबित करना चाहते हैं कि वे आपसे कितने बेहतर हैं, और उनके साथी अभिजात्य वर्ग के 1% भी। और फरारी अपनी गाड़ियों पर कितनी भी कीमत निर्धारित कर सकता है, और तब भी अमीर लोग एक सुपर कार को खरीदने के लिए भीख मांगेंगे। जब पैसे का कोई मूल्य नहीं होता, तब केवल एक चीज जो मायने रखती है वह स्टेटस, और फरारी के मालिक होने का स्टेटस को हरा पाना कठिन है। उसके लिए आप किसी भी रैप वीडियो को देखें, और आप एक मानवतावादी के रूप में अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए उस सभी धन का उपयोग कर सकते हैं, या विज्ञान का संरक्षण के लिए, या कला के लिए, या फिर उन हजार कारणों में निवेश करें जो वास्तव में स्वयं और अन्य लोगों की मदद करते हैं। लेकिन यह काम नट्स के लिए है, और यह कोई तरीका नहीं है कि यह आपकी मालकिन को प्रभावित करेगा। और क्या आप कभी फरारी खरीदेंगे? यदि आपके पास नकदी है तो आप कौन सी अन्य कार खरीदेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।